राज ठाकरे के खिलाफ संजय राउत की बदजुबानी उनको भारी पड़ने वाली है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने संजय राउत को सीधी चेतावनी दी है कि वो अपना भोंपू बंद रखें, नहीं तो मनसे उनसे अपने स्टाइल में निपटेगी। सामना अखबार के ऑफिस के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक बड़ा पोस्टर लगाया है। पोस्टर के जरिए मनसे की ओर से शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया था। मनसे की ओर से पोस्टर के जरिए पूछा गया है कि क्या इसे दोहराया जाना चाहिए। इस पोस्टर में लिखा गया है कि संजय राउत अपना लाउडस्पीकर बंद करें, नहीं तो मनसे अपने स्टाइल में इसे बंद कराएगी। सामना के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए जाने की खबर के बाद मुंबई पुलिस ने वहां से पोस्टर को हटा दिया। असल में संजय राउत ने मनसे चीफ राज ठाकरे की तुलना ओवैसी से कर डाली थी। संजय राउत के इस बयान के बाद शनिवार सुबह मनसे के कार्यकर्ता सामना अखबार के ऑफिस के बाहर पहुंचे और राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक पोस्टर लगा दिया। संजय राउत ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के असुद्दीन ओवैसी हैं। जो काम AIMIM के चीफ ओवैसी ने भाजपा के लिए यूपी में किया, वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए कराना चाहती है। सामना अखबार के कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में राज ठाकरे की बड़ी तस्वीर लगी है। पोस्टर में मराठी में संजय राउत को चेतावनी दी गई है। बैनर के माध्यम से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की है कि मनसे ने कुछ साल पहले संजय राउत की कार पर हमला किया था और गाड़ी को पलट दिया था, क्या इसे दोहराया जाना चाहिए। पोस्टर के जरिए यह सवाल भी पूछा गया है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।